नमस्कार हरे कृष्णा दोस्तों, मैं संजय सिंह हूँ। एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी आपको बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक और सभी एग्ज़ाम्स की एकेडमिक की तैयारी हम लोग यहाँ पर करवाते हैं आप लोगों को। हमने अपना, आप लोगों का ही है, हमारा नहीं है, आप लोगों के लिए ही हम लोग एक एप्लीकेशन भी डेवलप करवा रखा है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का खुद का अपना जो है एक एप्लीकेशन है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज परचेज करके और आपके जितनी भी स्टडी है, जितना भी आपके कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक के जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज के पूरा कोर्स और आपको अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब्जेक्ट भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे जो ग्रुप है, ये जो आइकॉनिक नर्सिंग अकेडमी का जो ग्रुप है, उसकी पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। आप लोगों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, नए नए टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए जो नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो आज आपका टॉपिक रहेगा, वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आप लोगों ने, आपको यूट्यूब पे कई सारी क्लासेज आपको अवेलेबल होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको बता रहे होंगे कि इस तरह से करना है। पर जैसे कि आपको पता है, नया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है, उस नए रूल्स के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का डिस्पोज करना है, उन सभी जो प्रोसेसेस हैं, उन सारी प्रोसेसेस का मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो की जाती है, उन सारी प्रोसेसेस के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो ये सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, आज की जो क्लास है वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नॉर्सेट की या जो और दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल ये क्लास रहने वाली है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने के कुछ स्टेप्स होती हैं। जो हम लोग वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं उसके कुछ हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप्स जो हम लोग फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे चार स्टेप्स होते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 and 4, देर आर द फोर स्टेप्स ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की चार स्टेप्स होती है। फर्स्ट वन इज द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बाद में हम उसका कलेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करने के बाद में हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करके एक्चुअल जो जहाँ पे डिस्पोज हम उसको करने वाले हैं, जो लोकेशन है जहाँ हम उसको डिस्पोज करने वाले हैं, उस डिस्पोज की लोकेशन पे पहुँचाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में उसको प्रॉपर हम लोग डिस्पोज करते हैं। सबसे पहले आज जो हम क्लास में जो डिस्कशन करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है उसकी हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ द सेग्रीगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, वो सेग्रीगेशन है। तो सेग्रीगेशन की हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली सेग्रीगेशन होता क्या है। सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन है कि जो कचरा है, जो आपका जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो कई तरह के प्लास्टिक बैग्स वहाँ पे रखे रहते हैं, अलग अलग कलर के बैग्स वहाँ पे रखे रहते हैं। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। यही क्या है, सेग्रीगेशन का प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके वेस्ट है उस वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शियस है, कौन सा नॉन इन्फेक्शियस है, कौन सा कांच का है, कौन सा जो है वो मेटल का है, कौन सा किस। तो सभी, इतने सारा वेस्ट हॉस्पिटल से निकलता है, उसको हमें क्या करना होगा, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग रखते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सेग्रीगेशन कहलाती है। तो हम लोग आज जो हम लोग बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, वो BMW का सेग्रीगेशन वाले प्रोसेस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सेग्रीगेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपने हॉस्पिटल जो वेस्ट है, उस हॉस्पिटल वेस्ट को अगर आपने सही तरीके से पहले ही कलेक्शन ही उसका अच्छे से कर लिया है, वहां पर उसका सेग्रीगेट करके ही कलेक्ट किया है, तो आपको बाद में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जो वेस्ट है वो आपस में कंबाइंड नहीं होगा, मिलेगा नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सेग्रीगेशन का है। आप जब हॉस्पिटल में गए होंगे कहीं पे, तो आपने इस तरह के जो है, आपने देखे होंगे इस तरह के बैग्स आपके वहाँ देखे होंगे, इस तरह के जो है डस्टबिन्स आपने वहाँ देखे होंगे, जिसमें आपको पीला, येलो कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, वाइट कलर के, और आपको ब्लैक कलर का बैग आपको मिला होगा। आजकल जो है दो नए बैग और ऐड किए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो ग्रीन कलर का है और दूसरा है जो लाइट ब्लू कलर का। ये दो बैग और ऐड किए हैं, जो ब्लैक कलर का जो आपका जो कचरा था उसी को हम लोग आगे, इसको आगे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तीन बैग जो है ब्लैक की कैटेगरी के ही हैं, जो हम आपको डिस्कशन करेंगे अभी आगे क्लासेस में। आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में ये जो आप जो बैग देख पा रहे होंगे, आपने यूजुअली देखा होगा कि हम लोग 5 प्लास्टिक बैग से डिस्कशन करते हैं, येलो, रेड, आपका ब्लू, वाइट एंड द ब्लैक। हम ये चार ही, 5 जो है बैग्स है वो उनका ही डिस्कशन करते हैं। आज मैं आपको ये दो बैग जो नए बैग हैं उनके बारे में डिस्कशन करके बताऊंगा कि एक्चुअली ये होते क्या है। तो देखिए, इनके बैग्स के अंदर मैं सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, हम एक एक जो कलर कोड है
जो कलर कोडिंग सिस्टम के थ्रू कौन कौन से कलर के बैग में, कौन से कलर के डस्टबिन में हमें क्या डालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप स्टाफ नर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी हॉस्पिटल ड्यूटी में जा रहे हैं या फिर आपको एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार कहाँ डालना है कचरा। अगर आपने इधर उधर कहीं डाल दिया तो वो फिर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इसके अंदर जो बैग आता है वो आता है येलो बैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैग है येलो बैग। ये सबसे जो आपके हॉस्पिटल वेस्ट को कलेक्ट करने का सबसे जो पार्ट है वो इसी के अंदर, येलो बैग के अंदर हम लोग मोस्टली जो है कलेक्ट करते हैं। तो देखिए येलो बैग जो है उसके अंदर क्या क्या आता है उसको मैं आपको कैटेगराइज करके बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए इसके अंदर क्या क्या रखा जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या कैटेगरीज इसमें की गई हैं, कौन कौन सा वेस्ट इसमें मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको इसका न्यूमेरिक भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको याद रखना है ताकि आपको कभी भी भूले नहीं आप। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं इसमें कि पोस्ट ऑपरेटिव जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो ऑपरेशन करने के बाद में जो बॉडी पार्ट निकल रहे हैं उनको हम इसमें कलेक्ट करते हैं। प्लेसेंटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं। प्लास्टर कास्ट, अगर किसी को प्लास्टर हुआ है, किसी को फ्रैक्चर के बाद में प्लास्टर जो चढ़ा है, जो प्लास्टर कास्ट हमने लगाया है उसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। कॉटन वेस्ट, लिनन और बेडिंग, मतलब जो कॉटन के वेस्ट आपके निकल रहे हैं वो सारे कॉटन के वेस्ट जो हम ड्रेसिंग करते टाइम पे यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरह से जो यूज़ कर रहे हैं वो, पेशेंट के लिनन्स, पेशेंट की बेडिंग, ये सारे भी हम इसमें ही कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शियस ड्रेसिंग वेस्ट जो भी हम लोग जो गॉज वगैरह, जो स्वैब्स वगैरह जो भी कलेक्ट हो रहे हैं वो भी हम इसमें ही कंसिडर करते हैं। उसके अलावा जो पैथोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, जो पैथोलॉजिकल लैब से जो वेस्ट निकलता है वो भी हम इसमें कलेक्ट करेंगे। साथ में ही ब्लीडिंग, अगर किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट से तो उसको भी हम इसी येलो बैग में कंसिडर करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आपको येलो कलर का बैग भी दिखा रखा है और साथ में ही क्या कर रखा है आपको ये भी बता रखा है, इसको येलो कलर में प्रेजेंट किया है। बॉडी फ्लूड, जितने भी बॉडी फ्लूड्स हैं वो इसमें कंसिडर होंगे। बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल जो वेस्ट हैं, जो भी आपके लेबोरेटरी से जो वेस्ट निकल रहा है वो सारा वेस्ट भी इसमें डाला जाएगा, लेबोरेटरी वेस्ट भी इसमें डालेगा। कंटामिनेटेड पेपर, ध्यान रखिएगा कंटामिनेटेड पेपर है, नॉट ओनली द पेपर, मैंने पेपर नहीं बोला है यहाँ पे मैंने क्या बोला है, कंटामिनेटेड पेपर। एक एक वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंटामिनेटेड पेपर है, नॉट इट्स नॉट द न्यूज़ पेपर, इट्स नॉट द टिश्यू पेपर, बट इट्स अ कंटामिनेटेड पेपर। अगर कोई टिश्यू पेपर कंटामिनेटेड है, अगर कोई न्यूज़ पेपर कंटामिनेटेड है तो वो भी इसी में डलेगा, बट इट्स अ विल बी कंटामिनेटेड। ये क्या होना चाहिए, कंटामिनेटेड होगा तभी डलेगा, अगर ये कंटामिनेटेड नहीं होगा कोई पेपर तो वो ब्लैक में जाएगा। वो मैं आपको भी फर्दर आगे जो क्लास है वो भी फॉरवर्ड होगी, मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा जितने भी क्लोथ्स हैं उनको भी इसमें कंसिडर करेंगे। जो यूज्ड फेस मास्क है, जो आपने फेस मास्क लगाया है उस फेस मास्क को हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, फेस मास्क लगा के जाते हैं, हम रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसको येलो बैग में डालना है। अगर कोई भी फेस मास्क है उसको हमें येलो कलर में डालना है। उसके अलावा शू कवर, जो हम लोग आपने देखा होगा हम लोग आईसीयू में और यहीं कहाँ कहीं कहीं पर भी हम लोग टहलते हैं तो हम लोग शू कवर लगा के रहते हैं ओटी मेन में, तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे, शू कवर्स को जो है उनको भी हम लोग इसके अंदर ही रखेंगे। उसके अलावा एक्सपायरेटेड मेडिसिन और डिस्कार्डेड जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी मेडिसिन है उन सारी मेडिसिन को, जो एक्सपायर्ड हैं उन सभी एक्सपायर्ड को, ड्रग्स को और डिस्कार्डेड मेडिसिन को हम क्या करेंगे, येलो बैग के अंदर ही कंसिडर करते हैं। एंड ऑल्सो द कीमोथेरेप्यूटिक वेस्ट, जो कीमोथेरेपी के काम में आने वाले जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं उन सभी एजेंट्स को, उन सभी आपके जो थेरेपी के अंदर यूज आने वाले जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं उन सभी एजेंट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, येलो बैग के अंदर ही कंसिडर करते हैं। इसके अलावा ब्लड बैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड बैग, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो बैग बचा है उस बैग को भी हम क्या करते हैं, इसी के अंदर येलो बैग के अंदर ही डालते हैं। ठीक है, क्योंकि पता हो, अब आप तो ये सोचेंगे कि साहब ये जो है प्लास्टिक का है तो इसको कहीं और डालना चाहिए, पर नहीं, ये जो आपका ब्लड बैग है, ये ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन जो बैग है उस ट्रांसफ्यूजन बैग को भी इसी में कंसिडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन कंपटीशन की तैयारी करने वाले इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड के जो बैग्स होता है, जो ट्रांसफ्यूजन बैग होता है, उस ट्रांसफ्यूजन बैग को हम लोग येलो के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके अलावा जो बॉडी फ्लूड्स हैं, जिसमें आपका स्पूटम हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया या पेरिटोनियल फ्लूड है, इनको भी हम लोग येलो बैग में डालते हैं। पर एक शर्त है यहाँ पे, शर्त क्या है, शर्त ये है कि हम इन जितने भी फ्लूड्स हैं, इन जितने भी आपके जो बॉडी ये पार्ट्स निकल रहे हैं आपके, चाहे स्टूल हो, चाहे स्पूटम हो, यूरिन हो, पेरिटोनियल फ्लूड हो, इनको आफ्टर द ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर हम इनको किसमें डालेंगे, आपके ये जो हमारा येलो बैग है इसके अंदर डालेंगे।
अब आप कहेंगे कि सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, याद कैसे रहेंगी? बिल्कुल सही, याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ याद रखने की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ आपको याद कैसे रखना है। याद रखने का तरीका बहुत ही आसान सा है। आप हम लोग यहाँ पे येलो को क्या बोलते हैं साहब, येलो को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पीला बोलते हैं। तो पीला से तीन चीज़ें याद कर लीजिए आप। पीला जो होता है पेशाब होता है, ठीक है। पीला से आप और क्या कंसिडर करते हैं, पीला प्लेसेंटा, ठीक है। सिमिलर सा ही आ रहा है, पीला प्लेसेंटा है, पीला पेशाब है, पीला प्लेसेंटा, पीला पेशाब। और एक जो है वो पीला हम किससे कंसिडर करते हैं, जो आपके जो साइकोटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नशीला। इस तरह से आप ये तीन वर्ड याद कर लीजिए कि ये तीनों जो है, पीला पेशाब पीला होता है, प्लेसेंटा पी से स्टार्ट हो रहा है प्लेसेंटा, और पीला से नशीला। अगर ये तीन चीज़ें आपने याद कर ली, क्या पेशाब, पीला प्लेसेंटा और पीला नशीला, अगर ये तीन चीज़ें आपने याद कर ली तो आपको पीले बैग में डलने वाले, येलो बैग में डलने वाले सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। पेशाब इंडिकेट करता है किस चीज़ को, बॉडी फ्लूड्स को। तो जितने भी बॉडी फ्लूड हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे आपके, येलो बैग में जाएगा। उसके अलावा बॉडी फ्लूड से इन्फेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इसी में जाएगी, क्लियर है। उसके बाद प्लेसेंटा मतलब ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये बॉडी पार्ट को इंडिकेट करता है। बॉडी पार्ट का मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट, तो जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट हैं वो भी इसी में जाएंगे आपके। पीला से नशीला, अब नशा किससे होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स से होता है। तो जितनी भी ड्रग्स हैं जो एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, जो डिस्कार्डेड ड्रग्स हैं, जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर जाएंगे, येलो बैग के अंदर आएंगे। तो याद रखने का तरीका हो गया, पीला को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नशीला बोलते हैं, येलो को हम लोग पीला बोलते हैं। और पीला से तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, पीला पेशाब, पीला प्लेसेंटा और नशीला। और इनसे आपको इंडिकेट करना है कि पेशाब जो होता है वो बॉडी फ्लूड्स को इंडिकेट करता है। तो बॉडी फ्लूड्स में देखिए आप लोग, ब्लीडिंग हो गया, बॉडी फ्लूड्स हो गए, उसके अलावा लेबोरेटरी वेस्ट में भी आपके आते हैं ये चीज़। और ये जो आपके बॉडी फ्लूड से इन्फेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक दैट इन्फेक्शियस ड्रेसिंग वेस्ट हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, लिनन बेडिंग, ये सब पेशेंट के फ्लूड से इन्फेक्टेड हो सकती है, तो इनको भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। उसके अलावा जो ये आपके देखिए बॉडी फ्लूड्स के अंदर, ये देखिए आपके जितने भी हैं ये सारा भी इसमें आएगा, कौन सा, स्पूटम, स्टूल, यूरिन, पेरिटोनियल फ्लूड, ये भी आपके बॉडी के फ्लूड हैं, तो बॉडी फ्लूड इसमें आ गया। उसके अलावा और देखिए बॉडी फ्लूड में क्या आएगा, आपका ट्रांसफ्यूजनल जो बैग है वो ट्रांसफ्यूजनल बैग भी, क्योंकि ये भी बॉडी का पार्ट से ही जा रहा है एक तरह से, आप ये कह सकते हैं, याद रखने के लिए आप इसको भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो इसके अंदर हो गए। उसके अलावा देखिए हमने कहा कि प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा किसको इंडिकेट कर रहा है, बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स में देखिए आपके पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स आ गया, प्लेसेंटा आ गया, ठीक है। उसके अलावा बायोमेडिकल और जो बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपके किस में आ गए, आपके ये आ गए आपके बॉडी पार्ट के अंदर। उसके बाद पीला से हमने बोला क्या, नशीला के लिए देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें, नशीला के लिए देखिए क्या क्या आएगा, देखिए एक्सपायरेटरी और डिस्कार्डेड मेडिसिन इसमें आ गए, और ये कंटामिनेटेड पेपर क्लॉथ और फेस मास्क और शू कवर, ये क्या हो सकते हैं, पेशेंट के बॉडी फ्लूड से क्या हो सकते हैं, कंटामिनेटेड हो सकते हैं, तो इनको भी इसमें कंसिडर करते हैं। तो येलो बैग इज अ मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है येलो बैग। तो यह समझ में आ गया होगा, न्यूमेनिक से याद रखें कि पीला से आपको क्या करने हैं, तीन वर्ड्स याद रखने हैं। पेशाब जो होता है उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है, तो पेशाब जो है उससे रिलेटेड पेशाब, और पेशाब वो आप किससे इंडिकेट करेंगे, इट इज इंडिकेटेड एज ए बॉडी फ्लूड, तो बॉडी फ्लूड से हो गया। प्लेसेंटा, पीला से प्लेसेंटा हो गया, और साथ में ही नशीला हो गया। तो ये आपको याद रखने का छोटा सा मैंने तरीका बता दिया, आपको अभी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये तीनों याद रह गए, तीनों चीज़ें याद रह गई आपको, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इसको ईजी वे से, आप कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर आप इसको क्या कर देंगे, ईजी वे से आप इसको क्या कर देंगे, आराम से डिफ्रेंशिएट करके, और आप इसको क्या कर देंगे, बता देंगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड कलर के बैग की, जो रेड कलर का बैग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। तो रेड कलर का जो बैग है, वो रेड कलर का बैग आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखने की है कि रेड जो कलर है वो रबर से रिलेटेड वेस्ट यूज करता है, रेड फॉर रबर। रबर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, रेड फॉर रबर याद रख लीजिएगा। या रबर जो होता है उसको रिसाइक्लेबल भी बोलते हैं। या एक छोटा सा तरीका और बता देता हूं मैं, आप इसको याद रखिए, पैरट, ठीक है, पैरट मीन्स तोता, और तोते की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, पैरट की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। आप इससे भी याद रख सकते हैं, तोते की जो चोंच होती है कैसे होती है, रेड कलर की होती है। तो रेड और ये जो पी है ये किसको इंडिकेट करेगा,
ये प्लास्टिक को इंडिकेट करेगा। तो जितने भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, जो रबर के आर्टिकल्स हैं, जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, वो सारे किस में जाएंगे? पैरट, याद कर लीजिए। रेड में क्या जाएगा? पैरट जाएगा। रेड पैरट, पैरट मीन्स पी से, पी इंडिकेट्स द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इसमें जाएंगे। रबर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे इसमें जाएंगे। आर फोर रबर भी आप याद रख सकते हैं, आर फोर रबर। रबर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रेड कलर के बैग जो है उसमें डगला जाएगा। क्या क्या हो सकता है देखिए इसके अंदर, आप इसमें क्या क्या चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स, जितने भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स वो हम लोग रेड बैग में रखेंगे। सीरिंज विदाउट नीडल, ये देखिए इस वर्ड को आप भूलना नहीं है। सीरिंज है बट इट इज अ विदाउट नीडल, विथ नीडल मैं बताऊंगा कहाँ जाएगी अभी, क्योंकि थी तो आपको ऐसे आपका जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। सीरिंज विदाउट नीडल हम इसमें डालेंगे। आईवी सेट इसके अंदर डालेंगे हम लोग। कैथेटर, ग्लव्स, यूरिन बैग, डायलिसिस किट एंड आईवी बोतल, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये सारे के सारे किस में जाएंगे, ये सारे के सारे आपके किस में जाते हैं? रेड कलर के बैग में जाते हैं। जो रिसाइक्लेबल आइटम्स हैं, जो रबर के आइटम्स हैं, वो सारे के सारे रेड कलर के बैग में जाएंगे। सीरीज है जो विदाउट नीडल है वो जाएगी। तो सिंपल सा आपको याद रखने का तरीका ये हो गया। और आईवी बोतल के अंदर आपको देखना ये चीज़ है कि आईवी बोतल जो है वो अगर रबर की है, प्लास्टिक की है, तो इसमें डलेगी। प्लास्टिक की अगर है, किसकी? प्लास्टिक की है तो हम वो इसमें ऐड करेंगे। पर अगर आपके कांच की अगर ये बोतल है, आईवी फ्लूड की बोतल अगर कांच की है, यूजुअली नहीं होती, आजकल कम यूज होता है, बट अगर है तो वो फिर आपके दूसरे आर्टिकल्स में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेड बैग के बारे में। मैंने बताया कि रेड बैग में क्या होगा, आपके इन्फेक्टेड प्लास्टिक आइटम्स जाएंगे, सिरिंज जाएगी विदाउट नीडल, आईवी सेट, कैथेटर, ग्लव्स, यूरिन बैग, डायलिसिस किट और आईवी बोतल, ये सारे किस में जाएंगे? आपके रेड कलर के बैग में जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाइट बैग, जो यूजुअली होता है। अब जो आपके व्हाइट कलर का बैग है, जो जिसको हम लोग बोलेंगे, इसको याद रखने का तरीका क्या है, व्हाइट बैग में जाएगा क्या, व्हाइट बैग में हम लोग किन चीज़ों को ऐड करेंगे? तो व्हाइट कलर का जो बैग होता है, देखिए व्हाइट को हम लोग बोलते हैं सफ़ेद, क्या बोलते हैं? सफ़ेद, हिंदी में क्या बोला जाएगा? सफ़ेद। और सफ़ेद से याद रखने का तरीका सीधा सा है, सफ़ेद छेद, ठीक है, सफ़ेद यानी छेद आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने की मैं न्यूमेरिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है। तो व्हाइट बैग जो होता है उसके अंदर, उसको हम लोग सफ़ेद बोलते हैं। सफ़ेद किस चीज़ को इंडिकेट, किस सफ़ेद को कैसे याद रखेंगे आप? छेद, मतलब जो चीज़ें छेद करती हैं, मतलब मेटल के आर्टिकल्स, मेटल के आर्टिकल्स जो होते हैं वो छेद करने वाले जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे किस में ऐड करे जाएंगे साहब? आपके आपके व्हाइट बैग में कंसिडर किए जाएंगे। तो कौन कौन से हैं देखिए, नीडल, नीडल है, सिर्फ नीडल है, सिरिंज नहीं है। यहाँ देख लिया, सिरिंज विथ जो है, जो विद नीडल जो है वो भी इसमें डलेगी। सिरिंज, देखो ये लिखा है मैंने, सिरिंज विद नीडल जो है वो भी इसी में जाएगा, क्योंकि व्हाइट है तो व्हाइट में जाएगा। और ये अगर विदाउट नीडल होती तो किस में जाती? ये रेड में जाता, ठीक है। ये विद नीडल है इसलिए विद नीडल किस में जाएगा? आपके नीडल के साथ में अगर कोई सिरिंज है तो वो इसमें डाली जाएगी। नीडल और सूचर नीडल्स होती है, जो सूचरिंग करने के लिए जो नीडल्स यूज करते हैं वो भी इसी में जाएगी। सिंपल नीडल्स इसमें जाएगी। उसके अलावा ब्लेड्स, जितनी भी ब्लेड्स हैं वो सारी, स्कैल्पल्स और मेटल शार्प्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। ये सारे मेटल के बने हुए हैं, आप तो ये समझ लीजिए। तो जितने भी मेटल के बने हुए शार्प्स होते हैं, जो मेटल के शार्प्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? सफ़ेद में जाएंगे। याद रखने का तरीका एक ही है, वाइट को सफ़ेद बोलते हैं, और सफ़ेद जो है वो बोलने में थोड़ा सा कैसे बोला जा सकता है, सफ़ेद छेद, ठीक है। सफ़ेद किसको इंडिकेट कर रहा है? छेद को इंडिकेट कर रहा है। तो छेद करने वाली सभी चीज़ें क्या करती हैं आपको, जो है क्या कर सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें व्हाइट बैग के अंदर कंसिडर की जाएंगी। ये आप लोग जो क्लास ले रहे हैं, आइकॉनिक नर्सिंग अकेडमी की स्पेशल क्लास है, जो BMW की मैं क्लास आप लोगों को ले रहा हूँ। हमारे यहाँ पे आइकॉनिक नर्सिंग अकेडमी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल जो है आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अपना खुद का जो है एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, जहाँ से आप अपनी स्टडी के जितने भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं, वो आपको कुछ फ्री कंटेंट भी और कुछ पेड कोर्सेज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अपनी इच्छा से जो कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ के अपनी स्टडी के अंदर अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है ब्लू बैग, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्लू बैग के बारे में। ब्लू बैग जो है वो नीला, ठीक है, कौन सा बैग हम बात कर रहे हैं? नीले बैग की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। नीला जो बैग होता है, नीला बैग जो होता है उसको याद रखने का तरीका ये है। आप लोगों ने गाना तो सुना होगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए कोई तो आए, ऐसे करके गाना है, ठीक है, अमिताभ भट्टाचार्य जी का गाना है नीले नीले अंबर पे। तो याद रखने का तरीका कि जो ब्लू बैग है उसमें, मैं बता दूं, वैसे तो ब्लू बैग में हम लोग क्या डालते हैं, ग्लास के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं,
ग्लास के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन ग्लास के आर्टिकल्स को हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। कौन से आर्टिकल्स? ग्लास आर्टिकल्स हम इसमें ऐड करते हैं। किसके अंदर? ब्लू के अंदर ग्लास आर्टिकल्स याद रखेंगे। पर याद रखने के लिए अब आपको ऐसे कैसे याद रहेगा सर ब्लू के अंदर जो है वो हम लोग जो है ग्लास आर्टिकल्स डालेंगे? तो देखिए, हमने गाना बताया अभी आपको कि नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। अब अगर चांद आएगा तो आपको उसको देखना है। अब आप मान लो नीचे बैठे हो घर में आपके यहाँ पे हो, तो नीले नीले अंबर पर जब चांद आएगा तो उस चांद को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो छत है उस छत को कैसा बनाना पड़ेगा? ग्लास का बनाना पड़ेगा। अगर आपने कर्टन लगा रखा है या कोई ऐसी प्लास्टिक का कवर लगा दिया या कुछ कर दिया तो आपको जो है वो चांद नहीं दिखेगा। अगर आपको विंडो से भी देखना है तो क्या होना चाहिए? ग्लास की विंडो होनी चाहिए, ग्लास का जो है वो आपका छत होना चाहिए जिससे आप उसको देख सके। कहने का मतलब नीले चांद को देखने के लिए क्या होनी चाहिए? ग्लास की छत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नीले ग्लास को देखने के लिए कांच की छत होनी चाहिए। तो कांच के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी कांच के आर्टिकल्स हैं वो किसमें डाले जाएंगे साहब? आपके नीले बैग, जो आपका नीला बैग है उस नीले बैग के अंदर डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? नीले बैग के अंदर डाला जाएगा। तो जितने भी ग्लास के आर्टिकल्स हैं, कोई से भी आर्टिकल्स हो, बिना सोचे समझे आपको कहाँ डाल देना है? ब्लू बैग के अंदर डाल देना। तो देखिए, ग्लास, ब्रोकन ग्लासेस, एम्पुलास, लैब स्लाइड्स एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स, ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं बेटे? ये सारे के सारे आपके जा रहे हैं कहाँ पे? आपके जा रहे हैं ब्लू बैग के अंदर। तो ग्लास के जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्लास की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी? ब्लू बैग के अंदर जाएगी, ग्लू बैग के अंदर कंसिडर की जाएगी। मैंने इसका आपको लिखने का, याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो बैग है वो है ब्लैक बैग। आजकल ब्लैक बैग को भी कैटेगराइज कर दिया गया, वो मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आगे बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक बैग है आपका, उस ब्लैक बैग में हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, ब्लैक बैग के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? देखिए, ब्लैक जो है वो है काला, ठीक है, ब्लैक मीन्स काला। तो काले बैग के अंदर क्या ऐड करेंगे? नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को हम लोग इसमें डालते हैं, उसके अलावा फूड आइटम्स को इसके अंदर ऐड करते हैं, पेपर वेस्ट को हम लोग इसमें डालते हैं, पेपर वेस्ट के अंदर टिश्यू पेपर्स हो गए, ऑफिस पेपर वेस्ट के अंदर ऑफिस के पेपर्स हो गए, या एक चीज़ इसमें और हम ऐड कर दिए, फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं उन फर्टिलाइजर्स को भी हम इसके अंदर जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। तो याद रखने के लिए तरीका ही आपको याद होना चाहिए साहब, जो काला बैग है उस काले बैग में क्या डाला जाएगा? जितने भी आपके नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है वो इसमें ही डाला जाता है। पहले जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और डिस्कार्डेड मेडिसिन मैंने बताई थी आपको, एक्सपायरेटरी मेडिसिन बताई थी, उन एक्सपायरेटरी मेडिसिन को पहले इसमें डाला जाता था। किसमें डाला जाता था? आपके इसी में डाला जाता था। आजकल उनको जो है येलो बैग में कंसिडर करने लग गए हम लोग, ठीक है, पहले ब्लैक बैग में डाला जाता था। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? काला, देखिए, पेपर वेस्ट जितने भी हैं वो पेपर वेस्ट जो है वो इसमें डाला जाएगा। तो पेपर को अगर हम लोग जला दें तो जलाने पे कैसा हो जाता है? वो काला हो जाता है। पेपर को अगर हमने बर्न किया, जलाया, तो कैसा हो गया? काला हो गया। तो पेपर से रिलेटेड जितने भी वेस्ट हैं आपके, पेपर से रिलेटेड जितने भी वेस्ट हैं वो सारे के सारे वेस्ट क्या किए जाएंगे आपके किसमें कंसिडर किए जाएंगे? आपके ब्लैक के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। पेपर अगर इन्फेक्टेड है तो वो येलो में जाएगा बेटा, पर नॉन इन्फेक्टेड है मतलब आपने खाने पीने के लिए काम में लिया, खाने के लिए आप, या जितने भी आपके फूड आइटम्स है आपने खाना खाया बच गया, आपके पेपर आपने खाना खाया उसके बाद में रैपर्स कुछ बच गया, तो इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं सारे बेटा जो नॉन इन्फेक्शियस हैं वो सारे नॉन इन्फेक्शियस आर्टिकल्स किसमें डाले जाएंगे? नॉन इन्फेक्शियस चीजें किसमें डाली जाएंगी? आपके ब्लैक बैग के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। ब्लैक बैग के अंदर आपको इसको डिस्कार्ड करना। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि पेपर को अगर आप जलाते हैं तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। एक चीज और इसमें, इंसिनरेटर की जो ऐश होती है, इंसिनरेटर की जो ऐश होती है कि जो जितने भी आपके जो जो वेस्ट हैं जिनको हम लोग जलाने देते हैं, तो जलाने के बाद में इंसिनरेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैंने स्टरलाइजेशन में आप लोगों को बताया था, वो जो स्टरलाइजेशन में इंसिनरेटर होता है उस इंसिनरेटर से जो राख निकलती है, जला के हम लोग जो इंसिनरेटर में हम क्या करते हैं उस कंटेंट को जला के राख में बदल देते हैं, ऐश के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो ऐश होती है, जो इंसिनरेटर की जो ऐश होती है, उसको भी हम लोग ब्लैक बैग के अंदर ही ऐड करते हैं, ब्लैक बैग के अंदर ही डालते हैं उसको। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया, इंसिनरेटर की ऐश जो होती है वो भी आपको इसी में डालनी है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे के सारे जो भी हैं, ये आपका मैंने पूरे आपके जो पांच बैग, जो इंपॉर्टेंट पांच बैग्स यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बट कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ और भी ऐड किए जाते हैं, कुछ बैग और ऐड किए जाते हैं जो आपके ये तीन बैग और हैं। इन तीनों बैग को ब्लैक का ही कैटेगराइजेशन है, ये ब्लैक इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ब्लैक जो है उस ब्लैक को के साथ में आपके ये जो दो और डिफरेंट बैग हैं, ये भी एक्चुअल में क्या किया, देखिए
कि जो ब्लैक बैग के अंदर हम लोग डाल रहे थे जितने भी आर्टिकल्स डाल रहे थे, फर्टिलाइजर्स डाल रहे थे हम लोग, इंसिनरेटर के एश डाल रहे थे, फूड आर्टिकल्स डाल रहे थे, वेपर्स डाल रहे थे, पेपर डाल रहे थे, इन सारे आर्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। क्योंकि इनमें से जैसे मान लो हमने खाना डाला, हमने फूड जो बच गया वो फूड भी डाल दिया, उसी में हमने प्लास्टिक का सामान लेस खाई, हमने कुरकुरे खाए और उसका भी हमने क्या कर दिया, उसी में डाल दिया। ठीक है, जो रेपर बचा वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो ये सब कुछ एक जगह हो गया, नॉन इन्फेक्शियस है, नो डाउट नॉन इन्फेक्शियस है, पर हमें उसका भी कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, उसका भी सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, उसका भी पृथकीकरण करना पड़ेगा भाई। तो पृथकीकरण करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी इनको क्या कर दिया कुछ हॉस्पिटल्स में, ब्लैक बैग के साथ में ये दो नए बैग, जो एक तो हल्का नीले कलर का, पीले नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और एक जो होता है ग्रीन कलर का आपके होता है। तो देखिए इनमें हम लोग क्या डालते हैं, इनमें हम लोग डालते हैं, देखिए फर्स्ट जो मैं ग्रीन के लिए बात कर रहा हूं, तो ग्रीन में हम लोग डालते हैं साहब बायोडिग्रेडेबल जनरल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि वो वेस्ट जिसको अगर हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोस्ट कर सकते हैं, जैसे फूड आर्टिकल हो गया, पेपर हो गया, तो आप इनको क्या कर सकते हो, डिग्रेड कर सकते हो, इनको वापस, इनका जो अगर मान लो हमने जमीन में दफन कर दिया तो इसे खाद बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को क्या है, बायो जो अपने साथ अपने हिसाब से धीरे 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 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पर अगर मान लो इसी में अगर आपने प्लास्टिक डाली होती तो क्या प्लास्टिक नष्ट होती, नहीं होती। प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, वो कभी खत्म नहीं होती है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। तो जो आपका ग्रीन है इसमें हम कौन सी चीज़ डालते हैं, बायोडिग्रेडेबल जनरल वेस्ट डालते हैं जो इन्फेक्शियस नहीं है और बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेड करके उसको खाद बना सकते हैं, या उसको हम लोग अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्वतः ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो हल्के नीले कलर का जो है, येलो जो आपके जो ब्लू कलर का जो है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसाइक्लेबल जनरल वेस्ट डालते हैं। रिसाइक्लेबल जनरल वेस्ट, जैसे मैंने प्लास्टिक का वेस्ट बताया जो नॉन इन्फेक्शियस है, वैसे तो रबर और प्लास्टिक किसमें जाएगा, आपके रेड में जाएगा, पर यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस अगर वो, तो नॉन इन्फेक्शियस वो किस में जाएगा आपके, वो आपका कंसिडर किया जाएगा इस लाइट ब्लू के अंदर। हम लोग डालेंगे रिसाइक्लेबल जनरल वेस्ट, जैसे खाना खाया आपने, खाने के रैपर्स बच गए, आपका बिस्किट का पैकेट बच गया, टॉफी का पैकेट बच गया, चॉकलेट का पैकेट बच गया, इन सब चीज़ों को हम किस में डालेंगे, ब्लू के अंदर, जो लाइट ब्लू है उस लाइट ब्लू के अंदर कंसिडर करेंगे। और एक जो ब्लैक है, इस ब्लैक के अंदर आजकल हम लोग क्या डालने लगे, हैजार्डस जो आर्टिकल्स हैं, जो नॉन इन्फेक्शियस हैं बट हैजार्डस हैं, उनको हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। लाइक दिस इज अ फर्टिलाइजर हो गया, तो हम लोग फर्टिलाइजर को इसके अंदर डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर को हमने इसमें डाल दिया। उसके अलावा जैसे हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इंसिनरेटर की एस्ट भी डाल सकते हैं, या दूसरे जो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं आपके। तो ये आपको मैंने बताया किसके बारे में, कि जो ब्लैक है उस ब्लैक के साथ में ही हमने क्या किया, यहाँ पे जो ब्लैक है उस ब्लैक के साथ में ही और भी जो है कई तरह के जो हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक के साथ में, जो कैटेगराइज करके जो ब्लैक के भी आर्टिकल्स को हमने और डिफरेंशिएट करके बता दिया आपको। तो ये लेटेस्ट मैंने आपको BMW के बारे में बताया, इसमें आपको मैंने सारे जितने भी जो बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जो जितने भी चीज़ें थी, जितने भी आर्टिकल्स थे, उनको मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दी। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में जरूर आया होगा, और डेफिनेटली अगर आपको समझ में आया तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ में क्या करेंगे, डेफिनेटली दोस्तों को बताएंगे, ताकि दोस्त लोग भी जुड़े। और दोस्तों को बताना कि आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का अपना खुद का ऐप है, जहां पे BSc नर्सिंग, GNM और पोस्ट बेसिक के क्लासेस अवेलेबल है। वहां से बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोविड की वजह से या स्कूल कॉलेज जाने में प्रॉब्लम थी, जो नहीं जा पाए, या किसी कारण से उन लोगों ने पढ़ाई जो है वो किसी भी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाए, जहाँ पे उनकी स्टडी जो है वो सफ़र कर गई, या किसी टॉपिक्स में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही, तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वन एंड ओनली एक ही जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है, और वो है आपके आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी आपको प्रॉमिस करता है कि आपको कहीं भी किसी भी एकेडमिक चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा। तो जुड़े रहिए आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के साथ में, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक टॉपिक के साथ में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।